नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, जो बिडेन की पार्टी की साइड से एक और बड़ा ब्लेंडर कर दिया गया है, और इस बार भी ये ब्लेंडर यूएस की साइड से अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ किया गया है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि अमेरिका की साइड से इसराइल के आयरन डोम की फंडिंग रोक दी गई है, और अमेरिका की साइड से ये फंडिंग $1 बिलियन की जाती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डिफेंस सिस्टम तो इसराइल का है, तो फंडिंग अमेरिका क्यों करता है? तो दोस्तों, इस बात का यह रीजन है कि 2014 में अमेरिका की साइड से आयरन डोम के दिन प्रतिदिन का खर्चा उठाया जाता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आयरन डोम यूएस मिलिट्री के असिस्टेंसी में आता है, और इसी वजह से ही अमेरिका की साइड से आयरन डोम को फंडिंग की जाती है। और इस बात का एक रीजन यह भी है कि जब भी हमास की साइड से इसराइल पर रॉकेट अटैक किए जाते हैं, तो जो हमास की साइड से एक रॉकेट छोड़ा जाता है, उसकी कॉस्ट $500 से $1,000 के बीच में होती है, यानी कि 35,000 से लेकर 70,000। और वहीं अगर आयरन डोम की एक मिसाइल की बात करें, तो आयरन डोम की एक मिसाइल $1,00,000 की होती है, और वहीं अगर इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें, तो ये एक मिसाइल ₹75,00,000 की हो जाती है। और अमेरिका की साइड से जितना भी पैसा आयरन डोम के लिए आता है, उसी पैसे से ही इसराइल अपने आयरन डोम को अपग्रेड करता रहता है। लेकिन अब अमेरिका की साइड से आयरन डोम की ऑपरेशन कॉस्ट को ही रोक दिया गया है। दोस्तों, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के बीच इस बात को लेकर अनबन हो रही है कि डेमोक्रेट पार्टी चाहती है कि डेट सीलिंग को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, अगर डेट सीलिंग की बात करें, तो इसे आप ऐसे समझिए, जैसे आपको पॉकेट मनी ₹100 मिलती है, तो आपका एक टारगेट हो जाएगा कि आपको एक महीना ₹100 से ही गुजारना है। तो अमेरिका की साइड से भी एक टारगेट रखा जाता है कि हम फेडरल बैंक से एक लिमिट में ही पैसा उधार लेंगे। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी की साइड से अब कहा जा रहा है कि इस डेट सीलिंग को बढ़ा दिया जाए। वैसे दोस्तों, पहले अमेरिका की डेट सीलिंग केवल $3 ट्रिलियन थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप छोड़कर गए थे, तो ये डेट सीलिंग $28 ट्रिलियन हो गई थी। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी अब ये चाहती है कि इस डेट सीलिंग को और ज्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन रिपब्लिक पार्टी साफ मना कर रही है कि इस डेट सीलिंग को और ज्यादा मत बढ़ाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में अमेरिका को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और एक तरीके से देखा जाए तो डेमोक्रेट पार्टी की साइड से रिपब्लिक पार्टी को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप डेट सीलिंग नहीं बढ़ाने दोगे, तो हम इसराइल के आयरन डोम की फंडिंग को रोक देंगे। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी पहले से ही इसराइल के फेवर में रहती है, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी इसराइल को इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।